माननीय उपसभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए इस सदन में अपनी बात कहूंगा। सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रपति जी का यह दूसरा अभिभाषण है। 9 जून को नई सरकार जब बन चुकी थी तो पहला अभिभाषण हुआ था, जिसमें सरकार की दोष, दिशा, दर्शन, सोच, लक्ष्य सब बताए गए थे। भारत को, भारत की जनता को वायदे दिए गए और उन वायदों को पूरा करने का वचन आपने पहले अभिभाषण में दिया। आज आपके सरकार में आए 275 दिन हो चुके हैं, इसलिए समय आ गया है लेखा जोखा करने का। आपके किए हुए वायदे, आपके किए हुए काम, कितने वायदे पूरे हुए, कितने वायदे तोड़े, कितने सपने दिए, कितने सपने लुटाए, ये तमाम बातों पे जिक्र जरूरी हो जाता है। मैंने पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार कहा था कि भारत की संसद है, इसकी परंपरा है, अच्छा आप यहां हैं, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। यहां पे सदन में वार्ता भी होती है, बहस भी होती है, चर्चा होती है। सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार की कारगुजारियों से जनता को अवगत कराए। अगर सरकार की कोई नीति गलत है, अगर सरकार की कोई दिशा गलत है, अगर सरकार ने वायदा खिलाफी की है तो हिंदुस्तान की जनता को हम बताएं, ये हमारा फर्ज बनता है। आप एक वायदों की बड़ी लहर पर सत्ता में आए, आपकी जीत हुई और उस जीत के कई कारण थे। एक प्रचंड प्रचार तंत्र था, भारी साधन थे, एक प्रचार था। हमने आपको बधाई दी जिस तरह से आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, एक जगह से बोलकर कई स्थानों पर प्रकट हुए, आपने ये सब करके दिखाया चमत्कार और जनता ने आपको विश्वास दिया। अब एक समय आ गया है उस मानसिकता से थोड़ा निकले चुनाव प्रचार की। हमने आपको सुना बड़े गौर से, सम्मान से, उस सदन में भी जो आपने कहा, पर लगा कुछ ऐसा कि अभी भी वो चुनाव प्रचार की मानसिकता उपसभापति महोदय उससे बाहर नहीं निकले। और इतना ही नहीं, आगामी जो चुनाव कुछ राज्यों के होने हैं उस पर भी अब निशाना है। इस वक्त तो अपने काम की बात करने की बात है, देश के सामने बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपके बहुत वायदे थे, मैं हर किसी वायदे पे नहीं कहता, नेता प्रतिपक्ष दूसरे साथी कह चुके। आपने हिंदुस्तान के नौजवानों को वायदा किया था रोजगार देने का, नौकरी देने का। आपने किसान को उसके उपज की कीमत देने का प्रधानमंत्री जी वायदा किया था। आपने महिलाओं की सुरक्षा का वायदा किया था। आपने 100 दिन में विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाने का वायदा दिया था। मैं आज कह सकता हूं बड़े सम्मान के साथ कि आपके वायदे खोखले। हकीकत और दावों में एक बहुत बड़ा फर्क है प्रधानमंत्री जी। जहां तक किसान की बात है, आपने किसान की खुशहाली की जो बात की थी, बजट में 1% जीडीपी का पैसा रखा, 11,000 करोड़ काट दिया एग्रीकल्चर का। किसान की बात, किसान त्राही त्राही कर रहा है। आपने एमएसपी नहीं बढ़ाई, प्रोक्योरमेंट आपने कम कर दी, आपका जो निर्यात है वो टूट रहा है, चाहे वो चावल का है, गेहूं का है, कपास का है, कीमतें टूट रही हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप जब माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने एक बड़ा मोर्चा निकाला था, आंदोलन किया था, मैंने आपको पत्र भी लिखे थे कपास की कीमत के लिए। हमने किसान की तकलीफ को देखते हुए एक फैसले से 3400 से 3700 और 3800 से 4100 हमने बढ़ाया मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास का। आपने कितना बढ़ाया? 50 रुपया। आज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, चीन ने अपना कपास दुनिया के बाजार में फेंक दिया है। आज सिर्फ एक चीज जिस पर आपको बड़ी आपत्ति थी, हालांकि वो प्रचार सच्चा नहीं था, मैं कहूंगा, आपने चुनाव में कहा, आपने चुनाव से पहले कहा, गुजरात के चुनाव में कहा
पिंक रेवोल्यूशन की आपने बात की कि हिंदुस्तान से यूपीए की सरकार बीफ एक्सपोर्ट कराती है। बीफ नहीं, इस देश में गाय नहीं काटी जाती, पर वो आपका प्रचार था, मैंने आपको पत्र लिखा था। पर आज जब गेहूं चावल कपास का नहीं होता, मीट का एक्सपोर्ट जरूर बढ़ा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ये प्रश्न आज उठते हैं ये सारी बात बताने के। आज वास्तविकता क्या है? आप निर्माण की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, होना चाहिए, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया है, हमने मेड इन इंडिया कहा था, और दुनिया के हर बड़े देश में पांच साल लगातार, साल में पांच, पांच साल में 25 इंडिया शो हुए मेड इन इंडिया, जिसके कारण 80 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट्स था, वो बढ़कर जब हम छोड़कर गए 323 बिलियन डॉलर पर छोड़ के गए हैं। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, आपका जो कहना है, तो एक्सपोर्ट क्यों टूट रहा है? आज सुबह के आंकड़े हैं पिछले पांच महीने के सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग के, ये चिंता की बात। आपने रोजगार की बात की थी, क्या रोजगार हुआ? रोजगार कम हुआ है या आपकी सरकार के आंकड़े हैं? ये मेरा कथन नहीं है, इसलिए प्रश्न पैदा होता है। आपने जो नौजवानों को सपना दिखाया था, आपने देश की जनता का जो कहा था, आज वो अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते हैं। कोई नया उद्योग नहीं लग रहा, बाहर से पैसा आ रहा है, कर्जे में ज्यादा आ रहा है, कर्जे में ज्यादा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम है। ये आपकी सरकार, आपके माननीय वित्त मंत्री जी, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके ये आंकड़े हैं। आप हुनर की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, वो पहले भी था, स्किल्स डेवलपमेंट मिशन था। देश की सोच में कई कड़ियां जुड़ी रहती हैं, कई सोच नई होती है, अपनी विचारधारा से जुड़ी, आपके जो दर्शन है उससे जुड़ी। पर मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप सही रूप में गंभीर हैं और इस विषय को, चुनौती को संजीदगी से देखते हैं, तो आपकी सरकार ने इस बजट के अंदर शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 13,000 करोड़ कम किए। आपने पूरी शिक्षा के लिए, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, 21,000 करोड़ रुपया कम किया है। आप करते हैं, हम अच्छी बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब देश समर्थन करता है, पर पैसा भी लगाओ, पैसा नहीं लगाओ तो कैसे पढ़ाओ? अगर बजट में हर चीज पे काटते जाएंगे, उपसभापति महोदय, मुझे तो हैरानी है, ये होगा कैसे? मुझे इसलिए एक बात कहनी है कि जो वायदे थे प्रधानमंत्री जी जब बोले हमको बताएं, इन्होंने 100 नए शहरों की बात की थी, 100 स्मार्ट सिटीज, वो कहां हैं? कोई सूची है? कोई रूपरेखा है? कोई गाइडलाइंस है? नहीं, इस बार जिक्र भी नहीं है, बजट में जिक्र नहीं है। अब हम क्या बोलें? हमने निर्माण की बात की थी, आप उसको कभी स्वीकार नहीं करते, उस स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे जो बात आपसे कहनी है, हमने 16 औद्योगिक शहर निर्माण के नोटिफाई किए थे, 4 लॉन्च किए थे, चाहे वो शेंद्र बिडकिन है महाराष्ट्र में, यूपी में नोएडा में है, विक्रम उद्योगपुरी है उज्जैन में, और आपके गुजरात में जो सबसे बड़ा देश का धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन 2012 के बजट में था, हमने लॉन्च किया था। आप कम से कम, आप देश के वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब आप बड़ी बात करते हैं, नई सोच बताते हैं, देश को कृपा करके यह भी बताएं कि पहले भी कोई काम हुआ था। आपकी सोच यह है कि आपके आने से पहले कोई काम नहीं हुआ, आपके आने से पहले सरकार को सोई रहती थी या गलत काम करती थी, हिंदुस्तान का नहीं सोचती थी, अपने देशवासियों का नहीं सोचती थी, ये मानसिकता स्वस्थ नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, इससे देश का भला नहीं हो सकता। आपने जो सपने दिखाए, नौजवानों ने आप पर विश्वास किया, आज वो विश्वास टूट गया। जिन्होंने आपको समर्थन दिया,
वह सही माने में आपकी वायदा खिलाफी से दुखी हैं। इसीलिए किसी कवि मित्र ने मुझे आज सुबह लिखाया कि क्या खबर थी कि हाथ लगते ही फूल से रंग छूट जाएगा, किसको मालूम था वादों का भ्रम इस कदर जल्द टूट जाएगा। आपने, आपके दल ने एक बड़ा अभियान चलाया था काले धन पर, यूपीए पर आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जी पर, हमारी सरकार पर निशाना लगाया गया। निशाना था बदनाम करने के लिए, दुष्प्रचार था। आपने इसको स्वीकार नहीं किया और आज भी नहीं किया कि जो भी सूचना आई 80 से ज्यादा देशों के साथ, यूपीए की सरकार, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमने एग्रीमेंट किए, हम सूचना लाए, उसी सूचना पर आज कार्रवाई हो रही। क्या ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी स्वीकार करेंगे? आपके बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने जनवरी 2014 में एक कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया काला धन वापस लाने के। आपने, मुझे मालूम नहीं क्यों, 85 लाख करोड़ काला धन बाहर कहा। आप इनकार नहीं कर सकते। आपने कहा आप 100 दिन के अंदर वापस लाएंगे। आप इनकार नहीं कर सकते। आज 275 दिन हो गए, पर मुझे यह भी याद कि आपने कहा था देश के लोगों को कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया दिया जाएगा। देखिए, मेरा समय कटेगा, मेरा समय कटेगा, ठीक है। Please. देखिए, अगर सम्मान से एक दूसरे की बात सुने, सदन की गरिमा बनी रहे। मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जब आपके पास जो आप कार्रवाई आज कर रहे हैं वो किस जानकारी पर है। स्वीकार करें कि सूचना और जानकारी आई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और काम हो रहा है, आप उसको पूरा करें, पूरे देश की बधाई आपके साथ होगी। पर मुझे एक कहना है कि 15 लाख तो नहीं दिया, आया भी नहीं, एक बीच में मत बोलिए, 15 लाख तो नहीं आया, पर आपने, अगर इसको गलत ना समझा जाए, सबको अच्छा काम है, स्वच्छता है, सबके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। अब मैं एक चीज सोचता हूं, आपका विज्ञापन देखता हूं आपकी सरकार का, स्वच्छता की बात अच्छी बात है, उसमें महात्मा गांधी का चश्मा है, बापू ने कई बातें की थी, आपने महात्मा गांधी को समेट दिया केवल स्वच्छता में, महात्मा गांधी का दर्शन सोच विशाल थी। गांधी जी क्या कहते थे, सत्य, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, जन जन का सशक्तिकरण। गांधी जी की सारी बात बोले, गांधी जी को इतना छोटा मत करें, गांधी जी का पूरे दर्शन बताएं। इसमें तो अभिभाषण में नाम ही नहीं है, 57वें पैराग्राफ में आपने प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में गांधी जी का नाम ले दिया, बाकी आप अच्छा जानते हैं। तो ये बात मेरे लिए कहना जरूरी था। आज आपके वित्त मंत्री ने एक नए कानून बनाने की बात करी है। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि नया कानून बनेगा काला धन पे। आपका बयान था माननीय
प्रधानमंत्री जी उस समय के और यूपीए सरकार पर जब आपने निशाना खूब बांधा, तो आपने बार बार एक बात कही कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उस पर यूपीए सरकार काम नहीं कर रही, फेमा है उस पर यूपीए सरकार काम नहीं करती, देश में कानून है, जो आज कार्रवाई हो रही है वो किस कानून के तहत हो रही है? अगर कोई कानून नहीं होता तो ना तो आप कहते कि हम कार्रवाई नहीं करते, कभी हो सकता? इतने बड़े प्रजातंत्र के अंदर जो संविधान पर चलता है, कानून पर चलता है, नियमों पर चलता है, उसमें काले धन के खिलाफ कोई कानून नहीं है। बाहर किसी की संपत्ति हो उसके उसको सजा नहीं मिलेगी। आज ये कौन सी नई बात कह रहे हैं? आप अपनी वायदा खिलाफी और नाकामयाबी छुपाने के लिए नए कानून की बात करते हैं। कानून है, उसके तहत काम करें। पिछले सदन में मुझे दुख है इस बात का और हमारे बहुत साथियों को दुख है, दूसरे सदन में आपने खूब बोला, आपका अधिकार है, पर आप डांट रहे थे। आप ये कह रहे थे कि किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्या हम में से किसी ने आपको आवेदन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है कि छोड़ दो किसी को? कब दिया? छोड़ना होता हम सारी सूचना लेके आते, 80 देशों से समझौता करते। ये धमकी मत दे, कोई डरने वाला नहीं है इन धमकियों से। जो वायदा किया है उसको पूरा करें। हम सिर्फ ये बात आपको कहना चाहते हैं, अभी और कई बातें आपने कही हैं, आप का सारा काम रीब्रांडिंग का है, रीनेमिंग का है, रीपैकेजिंग का है, जो आप कह रहे हैं। आपका मेक इन इंडिया भी वही है प्रधानमंत्री जी, मैं बजट पे उस पर बोलूंगा, पर उसके जो 25 सितंबर को आपने जो कहा, जो सितारा दिखाया, वास्तविकता यह है कि इन्वेस्ट इंडिया 1 जनवरी 2010 को बन चुकी थी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जिसके तहत ही सारी बात है, वो 25 अक्टूबर 2011 को स्वीकृति दी जा चुकी थी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सबको मंजूरी दी जा चुकी थी, दो पे काम चल पड़ा, 4 औद्योगिक शहर का मैंने जिक्र कर दिया। ई बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो 2009 में कंसीव हुआ था, इंफोसिस ने एग्जीक्यूट किया है। पोर्टल हमने मैंने स्वयं आगरा पार्टनरशिप समिट में 28 जनवरी 2013 को लॉन्च किया और 20 जनवरी 2014 को कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का वो लॉन्च हुआ। अभी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैंने लॉन्च कर दिया है, ये सच्चाई नहीं है। चलिए, ये काम तो निरंतर चलेगा और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये भारत सरकार की वेबसाइट्स पर है, पूरे इसके तथ्य सामने हैं। आपने 2 सर्विसेज ऐड की हैं, अच्छी बात, ये काम चलता रहेगा, एक्सपेंड होता रहेगा, पर ये मत कहे कि सिर्फ आपने किया। मुझे आपसे एक कहना, आपका एक कार्यक्रम है मिनिमम, आपका नारा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अब ये समझ में नहीं आ रहा। सत्ता का हर निर्णय का केंद्रीकरण हो चुका है, पूरी शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका है। उपसभापति महोदय, इस सरकार का पहला फैसला था, जो बड़ा फैसला था, हमारा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हर कैबिनेट मंत्री को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट से बाहर रखा गया, पहली बार हुआ। केवल गृहमंत्री हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की कमेटी नहीं बन सकती, सारी बड़ी नियुक्तियां केवल एक आपके कार्यालय से होती हैं, जो हटाए जाते हैं वो भी निर्णय वहां होता है। गृहमंत्री से स्वयं ये प्रश्न पूछा गया, उनके पास फाइल आपके दस्तखत के बाद आती है सूचनार्थ, ये एक हकीकत है। आपने बड़े बड़े अधिकारियों, बड़ी संस्थाओं को छोटा करने का क्या कारण है कि ऐसा हो रहा? आपका अधिकार है, आप किसको बनाएं, कौन सचिव बने, पर एक एक विश्वसनीयता होती है सरकार की, एक गरिमा होती है सरकार की। फिक्स टेन्योर के लिए जो अधिकारी होते हैं, सोच समझ के, चाहे वो होम सेक्रेटरी है, चाहे वो डिफेंस सेक्रेटरी है, चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी है, आपने उसको भी नहीं रखा। आप तो ऐसा हटा रहे हैं बड़े अधिकारियों को,
जैसे उनका कोई देश में योगदान नहीं है। जो रिटायरमेंट की आयु पे पहुंच गए, दुख लगता है अगर अपमानित होकर उनको भेजा जाए, फाइनेंस सेक्रेटरी यूं हटाए, फॉरेन सेक्रेटरी हट गए, पर सबसे बड़ी जो बात दुख लगा देश के लोगों को, जो मुझे कहना होगा अभी, डीआरडीओ चीफ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, देश के मिसाइल साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट अब्दुल कलाम जी थे। अब्दुल कलाम जी को सम्मान दिया गया, अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न दिया गया, अब्दुल कलाम जी को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जिसने साइंटिस्ट ने भारत को भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के रूप में दी, जो उसके दर्शक निर्माता हैं उस कार्यक्रम के, डॉक्टर अविनाश चंदर। 31 जनवरी को 2015 जब अंतिम सक्सेसफुल परीक्षण हो गया अग्नि 5 का, शाम को उनको बिना किसी सम्मान के रास्ता दिखा दिया गया, हटा दिया गया। एक तरफ कहां सम्मान दिया वाजपेयी जी ने, एक तरफ आप अपमानित करते हैं। ये कोई अच्छा रिवाज नहीं है, इससे लोगों का मनोबल टूटता है। ये देश के नागरिक हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है, ये अच्छा नहीं है, ये परंपरा बहुत गलत है। मुझे आज आपसे एक चीज और कहनी, कई साथियों ने जिक्र किया आपकी विदेश नीति के बारे में, चर्चा तो है नहीं, दो पैराग्राफ हैं। प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका गए, अच्छी बात, आप ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में ब्राजील गए, बहुत अच्छा, आप G20 के शिखर सम्मेलन में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, आप ईस्ट एशिया समिट में म्यांमार में गए, भारत में चीन के राष्ट्रपति आए शी जिनपिंग, भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए, भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए श्री बराक ओबामा। ये अलग बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी क्या घनिष्ठता है, आप उनको कैसे संबोधन करते हैं, ये आपका अपना दोनों का मामला है, ये इसमें मैं बीच में नहीं आता। पर मुझे एक बात कहनी है, इन सब देशों से हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, सामरिक महत्व है इन रिश्तों का, और इन रिश्तों को में संवेदनशीलता है, इन रिश्तों में संतुलन बनना चाहिए। आपकी विदेश नीति देश के हित को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करती है दुनिया के अंदर। एक चिंता है उपसभापति जी, देश को बताना जरूरी है, भारत की आजादी के बाद पहली बार एक बात हुई, रूस हमारा भरोसेमंद दोस्त है, रूस ने हर मुश्किल की घड़ी में भारत का साथ दिया, जब कोई चुनौती आई रूस भारत के साथ खड़ा रहा। क्या वजह है प्रधानमंत्री जी कि पहली बार 1947 के बाद रूस ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर दिया, सिक्योरिटी पैक्ट कर दिया? यह हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है, यह अच्छी बात नहीं हुई, आपको इसको सुधारना चाहिए। क्या कारण है कि आपने कभी खाड़ी के देशों की तरफ नहीं सोचा? क्या वजूहत है? खाड़ी के देशों से, पश्चिम एशिया से हमारे संबंध कमजोर हुए हैं आपकी सरकार आने के बाद। विदेश नीति पूरे विश्व के लिए होती है, विदेश नीति सीमित नहीं रहती, ये देश भारत के लिए महत्व रखते हैं। 85 लाख भारत के लोग इन देशों के अंदर रहते हैं, आपने क्या किया ये आपको सोचना चाहिए। मुझे आपसे एक और कहना, हमको कोई गर्ज नहीं, अभी डी राजा इस बात को कह रहे थे कि आपने क्या बात करी, क्या राष्ट्रपति ओबामा से समझौता किया। परमाणु क्षेत्र में वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको अन्यथा ना ले, जरूर बताएं कि क्या आश्वासन दोनों तरफ से दिए गए। पर एक सवाल, कम से कम अब तो स्वीकार कर लो, बराक ओबामा जी से तो मन की बात करते हो, इधर भी कर लीजिए आप हमारे साथ, कि उसका श्रेय तो इधर दे दो, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था 2008 में, अब तो मान लीजिए, तब तो हमारी सरकार गिरानी बिल्कुल लगा दी थी उस
कसौटी पर, चुनौती हुई थी, वोट पड़ा था, कई चीजों पर सरकार गिराने की कोशिश हुई थी। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आप उस बात को मान गए। जो हम कर रहे थे, जो यूपीए सरकार कर रही थी, वो भारत के हित में था, सर्वोच्च हित में था, आपने उसको कबूल किया है, अच्छी बात। एक होता है विपक्ष में रह के क्या कहना, जब उधर जाते हैं तो तस्वीर दूसरी दिखती है। इसलिए आपको शायद हमारी मुश्किलें समझ में आई होंगी, और ये भी देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, यूपीए सरकार की, सोनिया जी की, हम लोगों की क्या सोच रही थी। आपसे एक और बड़ी चिंता की बात मैं कहना चाहता हूं, इसको जरा आप गौर से सुने। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ हमारे संबंध विशेष महत्व के हैं। हमने इन देशों के साथ, इन महाद्वीपों के साथ संबंधों को मजबूत किया था, हमने इप्सा को आगे बढ़ाया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तीन बड़े प्रजातंत्र, तीन इमर्जिंग इकोनॉमीज, एक एशिया की, एक अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और तीसरा ब्राजील, उसको हमने आगे बढ़ाया। उस पर थोड़ा सोचिए, काम ढीला हुआ है। जहां ब्रिक्स जरूरी है, वहीं इप्सा भारत के लिए जरूरी है, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। हमने बहुत सोचकर अफ्रीका पर दुनिया की निगाह, और भारत का एक विशेष रिश्ता अफ्रीका के साथ है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इंडियाज रिलेशनशिप विद अफ्रीका इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट देन द एंगेजमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, अ कॉन्टिनेंट विच इज रिसोर्स रिच बोथ इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटीरियल रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज। हमने अफ्रीका यूनियन से बात करी, हमने शिखर सम्मेलन बुलाए, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 1 अप्रैल 2008 और दूसरी एडिस अबाबा में मई 2011 में। अब होनी थी 2014 में, इसको सदन सुने कि क्या हुआ। आपने पहले तो जो हमारे करार था, हमारा समझौता था अफ्रीका यूनियन के साथ कि पार्टिसिपेशन क्या होगा, उन्होंने हमको मोड ऑफ पार्टिसिपेशन दिया था और उसी के मुताबिक हमने उनको बुलाया। आपने तय किया, मैंने आपकी विदेश मंत्री को आगाह किया कि अफ्रीका यूनियन की, उनकी सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है। वो पहले कहते थे, जब हमने बात करी थी, मुझे भेजा गया था बात करने उनके शिखर सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि हमको ऐसा मत बुलाए भारत जिस तरह दूसरे देश हमको बुलाते हैं। हम गरीब जरूर हैं, संघर्ष जरूर हो रहा है, पर हमारे सारे राष्ट्राध्यक्षों को, सारे प्रधानमंत्रियों को कोई बुलाए हमको अच्छा नहीं लगता। अफ्रीका यूनियन में उस समय कई राष्ट्राध्यक्षों ने अफ्रीका के इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, इसलिए हमने कहा कि आप हमको समझाएं क्या फॉर्मेट होगा पार्टिसिपेशन का, हम सम्मान से आपको उसी तरह से बुलाएंगे। पर आपने फैसला किया सबको बुलाओ, ये मुझे बताया गया, ठीक है, हमको चिंता थी। आपने 54 राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण भेज दिया आपने, तो आप प्रधानमंत्री की तरफ से जाता है, और दिसंबर में होना था और वो गया। क्या कारण बताया आपने? अरे कारण तो सोच के बताना चाहिए, डिप्लोमेसी भी अपने आप में बड़ी गंभीरता की बात है। कहा कि अफ्रीका में एबोला वायरस है, एबोला वायरस है तीन छोटे देशों में, इक्वेटोरियल गिनी में है, सीरा लियोन में थोड़ा सा आया था, घाना को छुआ भी नहीं, बाकी अफ्रीका में नहीं है। अफ्रीका के, मैं आज सदन में कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, दो राष्ट्रपतियों ने और एक प्रधानमंत्री ने मुझसे बात करी, हमने भी काम किया बरसों, हमारे भी संबंध हैं, और मुझे कहा कि आपके देश के प्रधानमंत्री आनंद शर्मा जी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में थे तो सब चीज ठीक थी, हम भी वहां पे थे, वहां आपके मित्र बराक ओबामा जी को भी ठीक लगते थे, अफ्रीका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको भी ठीक लगते थे, उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठते थे, तब वो ठीक था, तब एबोला वायरस नहीं था। पर हिंदुस्तान आने के लिए आपने खुद निमंत्रण दिया, वो अपने आप को इसको ठेस पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसको दुरुस्त करना आपके लिए जरूरी है। मैं बड़े अदब से कहूंगा इसको, अन्यथा आप मत लें। आज हमारे देश में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, 2 मिनट में,
आज हमारे देश में स्वाइन फ्लू फैला है। मुझे आपसे, मैं बात खत्म कर रहा हूं, खत्म ही कर रहा हूं, मैं खत्म कर दूंगा। आपके आपने इसी बात हुई थी और आधे घंटे से ज्यादा आप बोल चुके हैं। नहीं नहीं, तीस हुए। प्लीज कर दो, नाउ ओके ओके, यू डोंट डिस्टर्ब मिस्टर कैन, व्हाई यू सिट डाउन। मैं खत्म कर रहा हूं दो मिनट में। तो मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आज अगर हमारे देश में स्वाइन फ्लू है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम आपका सम्मान करते हैं, आप दूसरे देशों में जाते हैं, अगर कहीं से आपको निमंत्रण आया हो और वो कैंसिल कर दिया जाए ये कह के कि भारत में स्वाइन फ्लू है आप मत आए, तो भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह जो आपने किया है, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, देश के हित में होगा, इस पर आप खुद गौर करें, इसको सुधारें। मुझे अंत में आपसे यही कहना है, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार 9 महीने के बाद अपने किए वायदों का हिसाब दे। आप जो देश के हित में काम करेंगे, आपको हमारी तरफ से रचनात्मक सहयोग मिलेगा। हम में से कोई नहीं चाहता देश का विकास, हम में से कोई नहीं चाहता देश आगे ना बढ़े, पर अगर कोई बात हिंदुस्तान को कमजोर करेगी, अगर कोई चीज ऐसी हुई, आपकी कोई नीति जो जनहित में नहीं हुई, एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, उसका विरोध होगा। मैं अंत में समय को देखते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा, जो आपकी कारगुजारी रही, जो वायदा खिलाफी रही, उसको देख के ये कहना है कि दावा था जिनका कि वो गुल खिलाएंगे, देख रहा है देश कुछ दिन के बाद ये गुलशन लुटाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।